नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फेडबुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी कल 12 सितंबर के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है, आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस के क्या लेवल रहने वाले हैं। बट उससे पहले देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया और मार्केट के अंदर आज कैसा दिन रहा। दोस्तों, निफ्टी 50 ने आज ऑल टाइम हाई लगाया, 20,000 के पार मार्केट को पहुँचा दिया। बैंक निफ्टी में भी एक बहुत ही बढ़त अच्छी देखने को मिली, 370-380 पॉइंट का मार्केट में एक आज हमें मूव देखने को मिला। 45,697 पर मार्केट की क्लोजिंग हुई फ्यूचर्स के अंदर। और अब जरा चलते हैं मार्केट को की तरफ, समझते हैं कि हमारे मार्केट के अंदर कल क्या लेवल्स रहने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मार्केट ने हमें एक गैप अप ओपनिंग दी बैंक निफ्टी के अंदर। गैप अप ओपन होने के बाद इमीडिएटली पहले ही 15-20 मिनट के अंदर मार्केट ने अपने दिन का लो 45,381 इस एरिया पे लगाया, अपना पूरा तकरीबन गैप फिल करने की कोशिश की। दोस्तों, इसी लेवल के बाद मार्केट इमीडिएटली उठ गई और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तकरीबन 10:15 बजे के बीच में मार्केट ने पहला हाई लगाया, तकरीबन 45,614 लेवल्स के आसपास। इसके बाद दोस्तों मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लग पड़ी और वापस 45,472 इस लेवल पर आकर मार्केट सपोर्ट लेती है। दोस्तों, इस लेवल से मार्केट ने फिर से पुल बैक लिया और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट 45,620 के लेवल पर जा पहुंची। इसके बाद मार्केट फिर नीचे आती है, काफ़ी देर कंसोलिडेट करती है और 1:30 बजे के बाद अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू करती है। तकरीबन लास्ट के 1.5 घंटे में, मतलब 1-1.5 आवर्स में मार्केट ने तकरीबन 200-250 पॉइंट का हमें मूव दिया और एक काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिला और क्लोजिंग मार्केट की 45,752 लेवल्स पर बंद हुई है। अब बात करते हैं कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बार चलिए रुक करते हैं ग्लोबल मार्केट्स का, देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ पर क्या हो रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में सबसे पहले बात करेंगे डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स इस टाइम पर वीडियो बनाते समय तकरीबन प्लस 71 पॉइंट्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। नैस्टैक की बात करें तो नैस्टैक भी यहाँ पर तकरीबन प्लस 92 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अगर बात की जाए S&P इंडेक्स की तो स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स प्लस 21 पॉइंट्स। साथ ही साथ अगर गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं तो गिफ्ट निफ्टी भी यहां पर पॉजिटिव बढ़त बना के रखा हुआ है, तकरीबन 55 पॉइंट्स यहां पर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, इंडिकेटिंग दैट द मार्केट कल एक आपको गैप अप ओपनिंग फिर से बैंक निफ्टी में दे सकती है। कल मार्केट के अंदर लेवल 45,868 ये हम कल देख सकते हैं, मतलब मार्केट के अंदर आपका जो एक गैप अप है वो तकरीबन 100 पॉइंट का हो सकता है। मतलब 45,868 से लेकर 45,922 के बीच में मार्केट कल आपको एक ओपनिंग दे सकती है। दोस्तों, अगर मार्केट में ऐसा होता है, इस लेवल पर आपको गैप अप देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट PDH के ऊपर सस्टेन कर जाएगी। तो हम जो बाय ऑन डिप्स की ही अपनी जो स्ट्रैटेजी है वही यूज़ करेंगे मार्केट में। शॉर्ट मार्केट में तब तक नहीं जब तक मार्केट आज के क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड नहीं करता, मतलब इस लेवल के नीचे अगर मार्केट में ट्रेड होता है तभी हम पुट पोजीशंस लेना पसंद करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर मार्केट में बाय ऑन डिप्स ही मूवमेंट देखने वाले हैं। ऊपर की तरफ जो आपको रेसिस्टेंसेस देखने को मिलेंगी बैंक निफ्टी के अंदर, वो मार्केट में 46,000 साइकोलॉजिकल लेवल और 46,086, ये दो रेसिस्टेंसेस आपको मार्केट में देखने को मिल सकती हैं अगर मार्केट कामयाब रहती है ऊपर के लेवल्स पर सस्टेन करने के लिए। तो गैप अप ओपनिंग के बाद दोस्तों मार्केट के अंदर अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है और मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है तो 45,800 पर अगर मार्केट हमें मिले तो कॉल की पोजीशन यहां से बनाइए और आपके जो टारगेट्स ऊपर हो सकते हैं वो 45,868 और 45,922।
पुट की पोजीशन जैसे मैंने आपको बोला, जब तक 45752 नहीं तोड़ेगा तब तक हम पुट की तरफ नहीं देखेंगे। अगर इन केस मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल्स है वो 45,618 और 45,572 पर आपको देखने को मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव स्ट्रीम को देखते रहें बिकॉज उसके अंदर जो मैं लेवल मार्क करता हूं आप उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय बाय।